तो भाई स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने तुम्हें बताया था अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चंस बनने के ज्यादा ही चांसेस होते हैं। सो इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स पे कुछ वैसे टॉपिक जहां से क्वेश्चंस तुमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम तीन कैटेगरीज में बांट रखे हमने, मॉडरेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट और अनएक्सपेक्टेड। देखो मॉडरेट में वैसे टॉपिक्स होंगे जिसे तुम कंसिडर कर सकते हो कि वो बेसिक टॉपिक्स है और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने उसे कवर कर रखा होगा, जैसे कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या होता है, अदर नेम्स इसके क्या होते हैं, कौन सा गॉसेंस फर्स्ट लॉ होता है, कौन सा गॉसेंस सेकेंड लॉ होता है, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल, कार्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल अप्रोच, किसमें हम यूटिल्स में मेजर करते हैं, किसमें हम ग्रेड्स को मेजर करते हैं, सॉरी ग्रेड्स देते हैं, ये सारी चीजें किसमें आती हैं, आईसी कर्व हो गए, छोटे मोटे जो बातें होते हैं उसके बारे में तुम बेसिक में डाल सकते हो। अब एक ये रिश्ता किसका सर, गलत मत लेना, क्राफ्ट का रिश्ता, मतलब टीपी एमपी टीयू एमयू किस पोजिशन पे, TU अपने मैक्सिमम पे रहेगा तो उस सिचुएशन में MU जीरो पे रहेगा, MU जब निगेटिव हो रहा होगा तो TU का पोजीशन क्या होगा, वैसे ही TP MP हो गए, तो कुछ ग्राफ्स के रिलेशंस देख के जाना, हो सकता है तुमसे वहां पे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, तो ये कंसिडर करना ये बेसिक्स लेवल्स ऑफ टॉपिक्स में। वहीं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है फॉर्म्स ऑफ मार्केट जहां से क्वेश्चन निकलने के ज्यादा ही चांसेस होते हैं। अब तुमसे यहां पे पूछा जा सकता है कि लॉन्ग रन में एक परफेक्ट कंपिटेटिव मार्केट कैसा प्रॉफिट अर्न करता है, शॉर्ट रन में क्या उसको प्रॉफिट होते हैं, लॉस होते हैं, जीरो इकोनॉमिक प्रॉफिट कब हो रहा होता है, ये चीजें तुमसे पूछी जा सकती हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशंस क्या कब होते हैं, अदर अदर टाइप्स के अलग अलग टाइप्स के जो मार्केट होते हैं, चाहे वो परफेक्ट हो, मोनोपोली हो, ओलिगोपोली हो, कोई सा भी मार्केट हो। फिर तुमसे नेशनल इनकम के कुछ छोटे मोटे फॉर्मूलाज पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में तुम डाल लो। और देखो एक अनएक्सपेक्टेड कैटेगरी तुम डाल सकते हो, क्वेश्चंस लगता है कि कम पूछे जाएंगे लेकिन हो भी सकता है कि पूछ लिए जाए, जैसे कि वेरियस टाइप्स के गुड्स होते हैं, जैसे कि सर बता सकते हो वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स, आपको पता होगा गिवन गुड्स हो गए, इंपीरियड गुड्स हो गए, डिराइव्ड गुड्स हो गए, फिर डेरिवेटिव गुड्स हो गए, ये सारे टाइप्स इसके अंदर आते हैं, फिर स्नोप इफेक्ट हो गया, वेवलन इफेक्ट हो गया, डायमंड वाटर पैराडॉक्स हो गया, ये सारे टर्म्स कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड होते हैं जहां से यार क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, अभी जाओ फिलहाल तुम क्या करो, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट को निपटा लो, फिर मॉडरेट को देख लो, जस्ट ओवरव्यू लेना है, ठीक है, जस्ट ओवरव्यू, रिविजन नोट्स उठाओ फटाफट, उसको स्क्रॉल करके देख लो, या अगर पीडीएफ है तो पीडीएफ से देख लो, या फिर अगर तुमने नोट्स रखे हार्ड कॉपी रखे तो उससे एक बार स्क्रॉल डाउन कर लो, ठीक है। फिर अनएक्सपेक्टेड अगर तुम्हारे पास टाइम बच जाता है तुम इन सारे टॉपिक्स को एक बार कंसिडर कर सकते हो, जस्ट तुम्हें इतना करना है, इसके बाहर पैर हाथ मत फैलाना, अदरवाइज निपट जाओगे, आसान भाषा में कह रहा हूँ फंस जाओगे, इतना कर लेते हो वही बहुत है एंड मोमेंट में, क्योंकि तुमने 6-7 महीने से मच्छर नहीं मारे होंगे यार, तुमने सारे कंसेप्ट्स बनाए होंगे, रिविजन किए होंगे मेरे साथ, अब एंड पे हो तो एंड पे भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, बैठना नहीं है, ठीक है यार। सो एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय और टेक केयर।